उनके लिए फांसी की मांग करती हूँ, ताकि जैसे आज मेरे साथ हुआ ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, जैसे मेरे बच्चे हो रहे हैं आज, देखो मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं अनाथ कर दिया, ऐसे किसी के बच्चे ना होए। ने हमारे सामने कहा कि हमने मारा, क्यों मारा के गाली दे रहा था, अच्छा। क्या गाली, तो गाली देने का मतलब गाली तो प्रधानमंत्री को भी दे देते, क्या प्रधानमंत्री को मार देंगे? सही बात है। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना क्षेत्र में, जहां से एक और हत्या की वारदात सामने आई है। और आए दिन राजधानी दिल्ली से जिस प्रकार से हत्या की वारदातें सामने आ रही है, उससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो चुकी है कि देश की राजधानी दिल्ली अब धीरे धीरे अपराधों की राजधानी बनती जा रही है। आपको बता दें कि एक युवक जिसका नाम नरेश बताया जा रहा है, वो अपने परिवार के साथ कल्याणपुरी थाना क्षेत्र में ही रहता था और उसकी चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी जाती है। इस मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। और आपको मैं बता दूँ कि उन आरोपियों ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि नरेश के द्वारा उनकी बहन के साथ संबंध बनाने की कोशिश की जा रही थी, प्रेम संबंध बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके चलते उत्तेजित होकर उन युवकों ने एक के बाद एक चाकू से गोद कर नरेश की निर्मम हत्या कर दी। अब क्या कुछ कहना है नरेश के परिवार के लोगों का, उनसे बात करते हैं और पूरी रिपोर्ट आप लोगों को ला कर देते हैं। नरेश की माताजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, आपके बेटे की हत्या की गई, इसके पीछे क्या कारण पता चल पाया है? देखो, इसके पीछे माता जी अभी कोई कारण का पता नहीं चला है और पुलिस वाले बहुत कोशिश में लग रहे हैं। उनको भी ऐसा नहीं बदनाम करना चाहिए, जब कर रहे हैं तो नहीं करे कोई काम को तो हम आप जैसे वो कहेंगे कि हमारे कोई कार्रवाई पारवाई नहीं कर रहे हैं। तो वो अभी अभी बेचारे वे भी और कई मर्डर हुए पड़े उनमें लगे हुए हैं, कल से वे करेंगे। कभी हमारी उन्होंने कंप्लेंट स्वीकार करी है, लगाई है। अच्छा, एक बात और कही जा रही है कि एक महिला से प्रेम संबंध के चलते हत्या की गई है। नहीं, ये झूठी बातें अखबारों में फैलाई जा रही हैं। नहीं, ये सब झूठी है, अपने बचाव के लिए करते हैं, उनका कोई इज्जत शर्म नहीं होती है जो ऐसे इल्जाम अपने बहनों पर बेटी पर लगाते हैं। ये तो आप भी जान सकते हो इतना तो। हाँ, तो जिन लोगों ने हत्या की क्या आप उनको पहचानते हैं? हाँ, जानते हो। हाँ, पड़ोस में रहते हैं हमारे। अच्छा, पड़ोसी है। हाँ, अच्छा। उन्होंने हमारे सामने कहा कि हमने मारा, क्यों मारा के गाली दे रहा था, अच्छा। क्या गाली, तो गाली देने का मतलब गाली तो प्रधानमंत्री को भी दे देते, क्या प्रधानमंत्री को मार देंगे? सही बात है। गाली प्रधानमंत्री किसी को दे दे के उसको भी मार देंगे? अच्छा, फिर कहता है कि मेरे सिर में डंडा मारा, हमने उसको मारा, उन्होंने उसने मेरे सिर में डंडा मारा, हमने डर के मारे उसको ईंट पत्थर से मार दिया, इतना मार दिया कि जान ही ले ली। हाँ, उसको जान ले ली और हम उसको उठा कर रिक्शा में डाल के और नाले में डाले आए। अच्छा, इस पूरी घटना की सूचना आपको कैसे मिली? वो वहाँ थाने में जाकर उन्होंने जो अरेस्ट कर रखे, उन्होंने थाने वालों ने कहा कि इनको सुनाओ, जो जैसे जैसे तुमने करा, जैसे उसको मारा, जैसे उसके साथ में तुमने व्यवहार करा, और माता जी को बताओ। आपके सामने पूरी बात बताई, उन्होंने कबूल करी? हाँ, कबूल करी है। हाँ, पहले नमस्ते करी दोनों भाई ने, फिर वह सारी बातें हमारे सामने खोल दी। अच्छा, अभी किस सज़ा की मांग करते हैं आप आरोपियों के लिए? हम तो ये सज़ा की मांग करते हैं मास्टर जी, कि आज तो हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ ना हो। हाँ जी, ये ऐसा हादसा जो हमारे साथ हुआ किसी के साथ ना हो। हाँ, क्योंकि ऐसे जो अपराधी एक चरित्र बन जाता है, खूनी बन जाते हैं। हाँ, वो तो खूनी बन जाते हैं, उनको मार दो पेट तो गोली, उनको कोई मारता नहीं है। और हम चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई हो, चाहे मीडिया वाले हो, जो पुलिस फोर्स वाले हो, चाहे पब्लिक नेता, आम जनता कोई भी हो, हम चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा काम ना हो किसी। अच्छा, अभी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्या इस कार्रवाई से संतुष्ट है आप लोग अभी? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है अभी। हाँ, क्यों, हमारे सामने अभी कोई उसका वो खुलासा ही नहीं आया है। हाँ, उन्होंने तो पता नहीं सुपारी लेकर मारा, किसी ने सुपारी दे कर मरवाया, तो हम इस बात को कैसे कह सकते हैं कि हम उससे संतुष्ट हैं? नहीं, हम नहीं हैं अभी। जब तक हमारे प्रति कोई कार्रवाई नहीं होगी, हमारी कोई मातवरी के प्रति कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम नहीं मानेंगे। मृतक नरेश की पत्नी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? पूजा। आपके पति की हत्या की गई, आपने क्या आरोपियों को पहचाना, देखा? हाँ। उन्होंने कोई कारण बताया आपको? उन्हें नाम से जानती हूँ।
क्या नाम है उनके? एक का नाम संजीवा है और एक का मम्मी को पता है मेरी, क्योंकि मैं घर में नाम लेता इसलिए जानती हूँ। योगेश है और उन्होंने मुझे मेरे सामने जुर्म कबूल भी किया है। उसने मुझे बोला भाभी हाँ, मैंने उसको फोटो दिखाई अपने हस्बैंड की, उसने बोला कि यही लड़का है, यही मारा है नरेश भाई को, मैंने ऐसे बोला और यहाँ स्कूल के सामने मारा। उसने मुझे बताया कि वो, उसने मुझे, मैंने पूछा क्यों मारा, उसके दो छोटे बच्चे हैं यार, उसने मुझे गाली दी उन्होंने, दोनों भाई ने मिलके, और भी उनके साथ थे जिनका वो नाम नहीं बता रहे हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है मैडम कि गाली देना एक छोटी सी बात पर कोई किसी की हत्या कर दे, उनकी कहानी में सच्चाई है या झूठ है? नहीं, झूठ बोलते हैं। कोई और बड़ा कारण हो सकता है इसके पीछे? हाँ, और लड़की के मामले में तो एक आरोप लग रहा है उनके ऊपर। सुंदर बीवी है, दो बच्चे हैं, क्या वो लड़की छेड़ेंगे? हम चाहते हैं मामले की तहकीकात अच्छे से की जाए। उनके पास फोन है जिसमें सारे सबूत होते हैं। अच्छा, तमाम अखबारों में मैडम एक खबर छप रही है कि नरेश जी जो थे उन्होंने उनकी पत्नी, जो उनकी बहन थी, उनसे अवैध संबंध बनाने की कोशिश की थी। प्रेम संबंध था उनका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, झूठ है सब, झूठ। ऐसा लड़का था ही नहीं वो, उसके दो बच्चे, बता तो रही हूँ आपको, इतनी सुंदर बीवी है उनकी, इतने दो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको लगता है कि वो किसी और के पास जाएगा? लेकिन पढ़ा लिखा बीटेक किया हुआ लड़का है, कोई वैसे तो ऐसे थोड़ी नहीं था, अनपढ़ थोड़ी नहीं है कि किसी ने भी पैसे के चक्कर में भगा लिया या ऐसे भगा दिया। वो बहुत अच्छे इंसान थे, और आपको हमसे भी नहीं, किसी और से भी यहाँ मोहल्ले में पता कर सकते हैं, ऐसा लड़का नहीं था जैसे उसको बताया जा रहा है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि हत्या क्या कारण होगा? हमें भी नहीं पता, हमारे कोई इनसे दुश्मनी भी नहीं थी, कोई बातचीत भी नहीं थी, बल्कि कभी कभी आ जाता था दुकान में मेरे सामने भी, नरेश भाई आज मुझे पैसे दे दे, आज मुझे खाना खाना है, और वो दे देता था। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि पैसे मांगे हो, नरेश जी ने कभी देने से मना कर दिया, उसका गुस्सा निकाला हो? नहीं, कभी भी वो किसी को भी खाने की, पैसे की कभी मना नहीं करता था। कम से कम 2-4 हज़ार रुपये उसकी जेब में हमेशा होते थे, और सबसे अच्छा काम करते थे वो, हमें जब वो अपना काम करते थे तो किसी चीज़ में ध्यान नहीं देते थे, हमें भी नहीं पूछते थे, सिर्फ अपना काम करते थे। मैं कैसे भाई यकीन कर लूँ कि वो किसी लड़की के चक्कर में है या उससे प्रेम करता था या ज़बरदस्ती की है? अगर ज़बरदस्ती की है उसकी बहन के साथ तो डॉक्टर ही कराए जाए ना उसकी भी, उससे पता चल जाएगा की है कि नहीं की है। और अगर उसकी बहन को छेड़ा है कुछ तो प्रूफ होगा। अगर तो जो पुलिस कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं मिला, अभी तो हमारा सिर्फ मेंबर मिला है घर का, मेरे हस्बैंड मिले हैं, पैसे नहीं मिले, घर से जो लेके गए थे वो नहीं मिले, सबसे मेन चीज़ है उनका फ़ोन नहीं मिला जिससे सारे सबूत पता चलेंगे, वो खुद गए हैं, बुलाए गए हैं, क्योंकि वो सो जाते थे आके घर में। अच्छा, हाँ, और लेकिन ये मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उसकी बहन को छेड़ा है, ये मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। तो जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके लिए किस सज़ा की मांग करती हैं आप? मैं उनके लिए फांसी की मांग करती हूँ, ताकि जैसा आज मेरे साथ हुआ ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, जैसे मेरे बच्चे हो रहे हैं आज, देखो मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं अनाथ कर दिया, ऐसे किसी के बच्चे ना होए। मैं ये उनको फांसी की मांग करती हूँ, और जो उनके और साथी हैं जिनके कहने पर मारा है उन्हें भी ढूंढा जाए, उनसे पूछा जाए, चाहे उनको दबाव दे के पूछा जाए, जैसे भी पूछा जाए। तो आपको लगता है कि और भी लोग होंगे इस मर्डर में? क्योंकि मेरा हस्बैंड लोकपुरी में सबसे, या कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं कह सकता कि वो दोनों मार देंगे, वो इतना हट्टा खट्टा इंसान था कि वो, उसे दो इंसान नहीं मार सकते, कम से कम 6-7 आदमी ने उसे मारा है, उसे दो आदमी नहीं मार सकते, और मैं यकीन भी नहीं कर सकती कि उसे दो आदमी मार देंगे। और वो भी प्लान से मारा गया, ऐसे नहीं मारा गया। तो उन्हें घर से बुलाया गया था इसके लिए या वो बाहर जा रहे थे, कुछ पता है इस बारे में? हम सास बहू में से दोनों में से कोई नहीं था घर पे। अच्छा, मदर भी गई हुई थी हॉस्पिटल और मैं मायके में थी। अच्छा माता जी, जो आरोपी पकड़े गए हैं क्या इनके अलावा किसी और पर भी शक है आपको? हाँ, वही तो बता रही हूँ। बताइए। जो वे हमारे दूसरे पड़ोसी हैं, जो हमने उनको दुकान दे रखी थी, तो मेरे लड़के ने उनसे दुकान खाली करवा दी, तो वो गुंडे लेकर मारने को आए मेरे लड़के को यहीं पे, तो
मेरा लड़का उनको लिपट झिपट हुआ, इतने पुलिस आ गई, पुलिस उसको पकड़ कर लेगी, थाने में बंद कर दिया, मारा पिटा, उनसे पैसे लेकर फिर छोड़ दिया। ये कब की बात होगी, कितना टाइम हो गया इस बात को? कह तो रही एक साल हो गया। अच्छा, साल भर हो गया। हाँ अच्छा, एक डेढ़ साल हो गया इन बातों को। मैं तो, मेरी तो तबीयत ख़राब रहती है, मैं तो तीसरे दिन तो हॉस्पिटल में रहती हूँ, और मेरे एक ही लड़का था सर, ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा नु बताओ तू, मैं गाड़ी गुप्तार मकान खाली करवाना दुकान, वो तो कोई भी कर सकता है, इसमें कौन सा जुल्म है कि वो उसको मार दे? तो उसने हमारे को उसमें शक है, डाउट है, ओके, उसने सुपारी दे के हमारे लड़के को मरवाया है। मैं, मेरी तरफ से तो ये है। मैं आपको, क्या नाम है उनका? उनका नाम, उनके बाप का नाम है देविंदर गुप्ता, लड़के का नाम है अमित सुमित। तीन माँ बेटे, तीनों पे शक है आपको? हाँ, ये मुझे तीन दिन लो, तीन बार धमकी देना है तीनों बाप के बेटा। कब आए थे धमकी देने? अभी वो 12-13 तारीख में। अच्छा, अभी मतलब जो 12 तारीख है, पिछले महीने की? हाँ, उसमें वो दो तीन बार मेरे को धमकी देना है कि हमारे इसमें आग लगा दी थी दुकान में, तो पुलिस वालों ने वो बुझाई कि तो घर भी जल जाएगा, और मेरे को कहा माता जी आप पहले PCR बुलाओ, 100 नंबर की कॉल करो। मैंने 100 नंबर की कॉल करी, उन्होंने कहा कि हमने कंप्लेंट आपका नाम एड्रेस थाने में दे जाओ, आप थाने में चल जाओ। थाने वाले से फ़ोन आया, बोला माता जी थाने में आ जाओ। मैंने जाकर वहाँ कंप्लेंट लिखवा दिया, ऐसा ऐसा हमने देखा, कोई है नहीं, पुलिस वालों ने आग बुझाई है, हम शक के तौर पर कह सकते हैं कि आग हमारे कैसा लगी है। तो वो उन्होंने उनको उठाया, पूछताछ करी कि भाई तुमने ऐसा क्यों करा, तो आकर मेरे को धमकी देना है कि या तो कंप्लेंट वापस ले ले, नहीं तो देख तुम्हारा क्या हाल बना देंगे। अच्छा, आप, अच्छा अभी उनकी धमकी के बाद क्या आपको और आपकी बहू को भी खतरा है किसी प्रकार? हाँ, हाँ, मेरा बेटा तो चला गया, खतरा मेरे बच्चों को, मुझे भी है। तो अभी आपके परिवार में कितने लोग बचे हैं मैडम? मेरे दो बच्चे, मेरी सास और मैं। कमाने वाले केवल आपके पति थे? वही थे, मेरे पति और मेरी अम्मा को, इनको मदर को अटैक आ रखा है, इनको मेरे फादर इन लोग की इनको पेंशन, और मैं कोई काम नहीं करती, मैंने कोई कुछ भी नहीं किया हुआ है जिससे मैं अपना घर चला सकूँ। अच्छा, क्या आपको भी किसी प्रकार का खतरा है उन लोगों से जिन्होंने आपके पति की हत्या की है? मुझे भी खतरा है, मेरे बच्चों को भी खतरा है, जिन्होंने मेरा हस्बैंड मार दिया वो मेरे बच्चों को भी मार सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें प्रोटेक्शन दी। तो परिवार के लोगों की तमाम आप लोगों ने बातें सुनी, उससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई है कि जो आरोपियों द्वारा एक गंभीर आरोप नरेश के ऊपर लगाया जा रहा है कि उसने उनकी बहन के साथ प्रेम संबंध बनाने की कोशिश की थी, जिसके चलते उसकी इस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी गई, इस आरोप का खंडन नरेश के परिवार द्वारा किया गया है। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब उनकी खुद की एक पत्नी है, उनका जो घर परिवार है बिल्कुल सही चल रहा है, दो बच्चे हैं और वो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि अपने परिवार के लिए आजीविका कमा कर उन लोगों को दे के, ऐसे में जो आरोप लगाए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा सनसनीखेज है। परंतु परिवार के लोगों द्वारा इस चीज़ का पूरी तरीके से खंडन किया जा चुका है। अब एक जो बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि परिवार के लोगों ने एक पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया है, जिससे इनकी साल डेढ़ साल पहले लड़ाई हुई थी, दुकान को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था, और पिछले महीने जान से मारने की धमकी भी परिवार के लोगों द्वारा उसी व्यक्ति ने दी थी। अब परिवार के लोगों को ये शक भी है कि सुपारी देकर हो सकता है कि नरेश की हत्या कराई गई हो, और बिल्कुल इस एंगल से भी दिल्ली पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। आप लोगों को बता दें कि कुछ आरोपियों को फिलहाल पुलिस हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ कर रही है, और मुख्य कारण क्या था वो अभी तक सामने नहीं आया है। परंतु पुलिस ने इस चीज़ का आश्वासन परिवार को दिया है कि आने वाले दिनों में और कठोर तरीके से पूछताछ की जाएगी, और जगह भी दबिश देकर, और भी अगर कोई आरोपी इस पूरे मामले में है, नामजद है, तो उसको भी पकड़ा जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए अपने चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क के साथ, और साथ ही मेरी आप लोगों से एक दरखास्त है कि इस वीडियो को आप लोग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारी मात्रा में शेयर करें और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को टैग करें, ताकि उन्हें पता चल सके कि आए दिन राजधानी दिल्ली में इस प्रकार से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और जो मृतक होते हैं उनके जो परिवार वाले होते हैं उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अपने घर के मृत व्यक्ति के लिए इंसाफ पाने के लिए। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा, और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।